पटना में निगरानी विभाग की ओर से गृह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद चौधरी, निगरानी एडीजी पंकज दरात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के 20% फोल्डर गायब है। बिहार में भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ निगरानी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगी। गृह सचिव अरविंद चौधरी ने नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जाँच को लेकर एक बड़ी जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जाँच के क्रम में 2767 अभियुक्तों के खिलाफ 1563 मामले संबंध जिलों में दर्ज किए गए हैं। अभियोजन स्वीकृति के बहुत कम मामले लंबित हैं। दो ही कुल 43 मामले अभी लंबित हैं, जिसमें राज्य के बाहर के 19 मामले हैं, जैसे खास करके जो शिक्षकों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला चल रहा है, तो उसमें कई सारे मामले जो हैं कुछ वेस्ट बंगाल के हैं, कुछ दिल्ली के हैं या वैसी जगहों के हैं, और राज्य के अंदर के 24 मामले हैं जो कि एक पाइपलाइन में रहता है। वो अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव आता है और फिर हम विभागों को भेज करके फॉलोअप करके कराते हैं और ये होता रहता है, तो ये लगातार होता रहता है। एक सारे शिक्षकों से जुड़े मामले नहीं, ये सारे शिक्षकों से जुड़े मामले नहीं, बट राज्य के बाहर के जो मामले हैं उसमें दो तीन अलग अलग जगहों के मामले हैं, जैसे कुछ वेस्ट बंगाल के मामले हैं, कुछ उड़ीसा के मामले हैं, कुछ दिल्ली के मामले हैं। पटना में निगरानी विभाग की ओर से गृह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद चौधरी, निगरानी एडीजी पंकज दरात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के 20% फोल्डर गायब है। बिहार में भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ निगरानी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगी। गृह सचिव अरविंद चौधरी ने नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जाँच को लेकर एक बड़ी जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जाँच के क्रम में 2767 अभियुक्तों के खिलाफ 1563 मामले संबंध जिलों में दर्ज किए गए हैं। अभियोजन स्वीकृति के बहुत कम मामले लंबित हैं। दो ही कुल 43 मामले अभी लंबित हैं, जिसमें राज्य के बाहर के 19 मामले हैं, जैसे खास करके जो शिक्षकों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला चल रहा है, तो उसमें कई सारे मामले जो हैं कुछ वेस्ट बंगाल के हैं, कुछ दिल्ली के हैं या वैसी जगहों के हैं, और राज्य के अंदर के 24 मामले हैं जो कि एक पाइपलाइन में रहता है। वो अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव आता है और फिर हम विभागों को भेज करके फॉलोअप करके कराते हैं और ये होता रहता है, तो ये लगातार होता रहता है। एक सारे शिक्षकों से जुड़े मामले नहीं, ये सारे शिक्षकों से जुड़े मामले नहीं, बट राज्य के बाहर के जो मामले हैं उसमें दो तीन अलग अलग जगहों के मामले हैं, जैसे कुछ वेस्ट बंगाल के मामले हैं, कुछ उड़ीसा के मामले हैं, कुछ दिल्ली के मामले हैं। पटना में निगरानी विभाग की ओर से गृह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद चौधरी, निगरानी एडीजी पंकज दरात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के 20% फोल्डर गायब है। बिहार में भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ निगरानी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगी। गृह सचिव अरविंद चौधरी ने नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जाँच को लेकर एक बड़ी जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जाँच के क्रम में 2767 अभियुक्तों के खिलाफ 1563 मामले संबंध जिलों में दर्ज किए गए हैं। अभियोजन स्वीकृति के बहुत कम मामले लंबित हैं। दो ही कुल 43 मामले अभी लंबित हैं, जिसमें राज्य के बाहर के 19 मामले हैं, जैसे खास करके जो शिक्षकों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला चल रहा है, तो उसमें कई सारे मामले जो हैं कुछ वेस्ट बंगाल के हैं, कुछ दिल्ली के हैं या वैसी जगहों के हैं, और राज्य के अंदर के 24 मामले हैं जो कि एक पाइपलाइन में रहता है। वो अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव आता है और फिर हम विभागों को भेज करके फॉलोअप करके कराते हैं और ये होता रहता है, तो ये लगातार होता रहता है। एक सारे शिक्षकों से जुड़े मामले नहीं, ये सारे शिक्षकों से जुड़े मामले नहीं, बट राज्य के बाहर के जो मामले हैं उसमें दो तीन
अलग अलग जगहों के मामले हैं, जैसे कुछ वेस्ट बंगाल के मामले हैं, कुछ उड़ीसा के मामले हैं, कुछ दिल्ली के मामले हैं। पटना में निगरानी विभाग की ओर से गृह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद चौधरी, निगरानी एडीजी पंकज दरात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के 20% फोल्डर गायब है। बिहार में भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ निगरानी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगी। गृह सचिव अरविंद चौधरी ने नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जाँच को लेकर एक बड़ी जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जाँच के क्रम में 2767 अभियुक्तों के खिलाफ 1563 मामले संबंध जिलों में दर्ज किए गए हैं। अभियोजन स्वीकृति के बहुत कम मामले लंबित हैं। दो ही कुल 43 मामले अभी लंबित हैं, जिसमें राज्य के बाहर के 19 मामले हैं, जिसे खास करके जो शिक्षकों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला चल रहा है, तो उसमें कई सारे मामले जो हैं कुछ वेस्ट बंगाल के हैं, कुछ दिल्ली के हैं या वैसी जगहों के हैं, और राज्य के अंदर के 24 मामले हैं जो कि एक पाइपलाइन में रहता है। वो अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव आता है और फिर हम विभागों को भेज करके फॉलोअप करके कराते हैं और ये होता रहता है, तो ये लगातार होता रहता है। एक सारे शिक्षकों से जुड़े मामले नहीं, नहीं ये सारे शिक्षकों से जुड़े मामले नहीं, बट राज्य के बाहर के जो मामले हैं उसमें दो तीन अलग अलग जगहों के मामले हैं, जैसे कुछ वेस्ट बंगाल के मामले हैं, कुछ उड़ीसा के मामले हैं, कुछ दिल्ली के मामले हैं। पटना में निगरानी विभाग की ओर से गृह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद चौधरी, निगरानी एडीजी पंकज दरात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के 20% फोल्डर गायब है। बिहार में भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ निगरानी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगी। गृह सचिव अरविंद चौधरी ने नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जाँच को लेकर एक बड़ी जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जाँच के क्रम में 2767 अभियुक्तों के खिलाफ 1563 मामले संबंध जिलों में दर्ज किए गए हैं। अभियोजन स्वीकृति के बहुत कम मामले लंबित हैं। दो ही कुल 43 मामले अभी लंबित हैं, जिसमें राज्य के बाहर के 19 मामले हैं, जिसे खास करके जो शिक्षकों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला चल रहा है, तो उसमें कई सारे मामले जो हैं कुछ वेस्ट बंगाल के हैं, कुछ दिल्ली के हैं या वैसी जगहों के हैं, और राज्य के अंदर के 24 मामले हैं जो कि एक पाइपलाइन में रहता है। वो अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव आता है और फिर हम विभागों को भेज करके फॉलोअप करके कराते हैं और ये होता रहता है, तो ये लगातार होता रहता है। एक सारे शिक्षकों से जुड़े मामले नहीं, नहीं ये सारे शिक्षकों से जुड़े मामले नहीं, बट राज्य के बाहर के जो मामले हैं उसमें दो तीन अलग अलग जगहों के मामले हैं, जैसे कुछ वेस्ट बंगाल के मामले हैं, कुछ उड़ीसा के मामले हैं, कुछ दिल्ली के मामले हैं।